हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हेलोवीन अपडेट हमारे गेम में यहाँ पर आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें इसी अपडेट के साथ इंट्रोड्यूस कराई जा चुकी हैं। इतनी कोई ईपिक अपडेट है कि इसको देखने के बाद सिर्फ सुपर सेल को एक ही चीज़ कहने को दिल चाह रहा था। एक पप्पी इधर। भाई और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पर अटैक करना है। अटैक की शुरुआत हम लोग यहाँ पर अपनी फ्री स्पेल से करेंगे, जिससे हम लोग को पानी को जमाना है, और ऊपर की साइड पर हम लोग को यहाँ पर जंप स्पेल से रास्ता खोलना है। वो अभी बाद में पता चलेगा क्यों खोलना है। सबसे पहले भाई यहाँ पर कंजूसी मत करना, दो बारबेरियंस डालना, और ये जो नेज़े तुम्हारे बारबेरियंस को लगेंगे वो उन बेचारों को जख्म झेलने देना, क्योंकि ये जख्म उनको लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो पात नहीं बन पाएगा और तुम्हारे बारबेरियंस और जो तुम्हारा ये क्या एनर्जी का गोला है, जिसको मेगा स्पार्की कहते हैं, नया ट्रोप आया, ये भटक जाएगा। और भटकने में ये माहिर है, बिल्कुल क्वीन पर गया है। अभी हम लोग को यहाँ पर भाई ये जो छोटे छोटे गॉबलिंस के जो छोटी छोटी तोपे हैं ना, ये कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म की डिस्ट्रैक्टिव चीज़, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन एनिमी के लिए ये अच्छी चीज़ होगी, मतलब अभी इस बेस पर हम ही एनिमी हैं, तो हमें यहाँ पर इसको भाई किसी ना किसी तरह इसको भाई ये एक दो बारी में आके ख़त्म हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को इसके पीछे एक यहाँ पर माइनर डालना होगा, ताकि माइनर इसको ईजीली डिस्ट्रॉय कर सके। माइनर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऊपर की साइड पर हम लोगों ने यहाँ पर फ्री स्पेल करके रखा है, अपने पास यहाँ पर बेहतरीन सा रास्ता बना हुआ है। और फ्री स्पेल से भाई यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि इसकी जो एबिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है। यहाँ पर जितने निकले उनको एक लाइटनिंग स्पेल के साथ जला के खाक कर दो, और सिंपली भाई यहाँ पर तुम्हारा जो मेगा स्पार्की है वो अंदर की साइड पे आ जाएगा। बस कोई टेंशन नहीं लेनी। मेगा स्पार्की के पीछे भाई एक दो वो डाल देना, तुम लोग क्या कहते हैं अपना सुपर विजर्ड्स, वो डाल दो, उससे बेटर हो जाएगा। ये सुपर विजर्ड मैंने डाला, ये भटक गया, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा है, ये एक ही जगह पर घूम रहा है। खैर यहाँ पर भाई तुम लोगों ने अपने दोनों के दोनों यहाँ पर वेट करके एक और अपना सुपर माइनर डाल देना, और हील स्पेल भी डिप्लॉय कर देना। इससे ये होगा कि ये जो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट हॉल का जो आर्टिलरी है वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगी, और तुम्हारा जो दोनों के दोनों माइनर्स होंगे वो ईजिली डिस्ट्रिक्ट हॉल को टेक डाउन कर लेंगे। ऊपर की साइड पर यहाँ पर अगर हम लोग आएँ तो मेगा स्पार्की और अपना जो यहाँ पर एक सुपर विजर्ड था वो अभी भी ज़िंदा है और अच्छे काम यहाँ पर कर रहे हैं। सुपर विजर्ड एक्चुअली मर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो अपना सुपर बारबेरियन है वो यहाँ पर अभी भी जिंदा है। लेकिन स्टिल यहाँ पर हम लोग का ऊपर की साइड पे क्लीन अप हो जाएगा। नीचे की साइड पे जैसा मैंने शुरू में तुम लोग को बताया था, जंप स्पेल हम लोग ने डाली थी, और यहाँ से अपने पैका और अपना विजर्ड अंदर की साइड पर आ चुके हैं। और यहाँ पर भाई जो जो बिल्डिंग्स बचे उसको क्लीन अप कर लो। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अपडेट की। अपडेट भाई बहुत ही कोई ईपिक आई है, बहुत ही मज़ेदार अपडेट आई है भाई। यहाँ पर अपने पास आया हुआ है एक गॉब्लिन बिल्डर। गॉब्लिन बिल्डर का सीन यहाँ पर कुछ यूँ है कि भाई अब जैसे अपना बिल्डर है वो कुछ पैसे मांगता है और अपना हथौड़ा लेके काम शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो गॉब्लिन बिल्डर है ना भाई, उसको कोई नई चीज़ चाहिए। वो मांग रहा है जेम्स। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन अपने पास जेम्स तुम लोग को पता है किसी के पास होती नहीं है। बात तो सही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ तुम लोग से अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। बाय।